हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज का जो वीडियो है, इस वीडियो हम लोग डिस्कस करेंगे किस तरह से हम लोग अपने कंक्रीट स्ट्रक्चर को डिज़ाइन करते हैं। उसमें देखते हैं कि इसमें हैंगिंग आ रहा है कि सैगिंग आ रहा है या ओके है, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो ये वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है, इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले, अगर आपने स्टार्टिंग से मेरे वीडियोज़ को देखेंगे तो आपको पता होगा कि सबसे पहले न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक करना है, देन स्पेस एंड देन मीटर एंड किलोन्यूटन एंड देन जस्ट नेक्स्ट करेंगे और यहाँ पे एड बीम्स फिनिश। तो हमें देखना है कि किस तरीके से कंक्रीट स्ट्रक्चर को डिज़ाइन करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, एक कंक्रीट का स्ट्रक्चर ले लीजिए। अब वो स्ट्रक्चर या तो आप ऑटोकैड पे जाइए, ऑटोकैड पे एक सेंटर लाइन प्लान ड्रॉ करिए और वहाँ से इंपोर्ट कर लीजिए, या आप जस्ट गो टू जियोमेट्री एंड देन रन स्ट्रक्चर विजार्ड एंड देन जस्ट क्लिक ऑन फ्रेम मॉडल्स वे फ्रेम। वे फ्रेम में बाय डिफॉल्ट आपको मैंने बताया है पहले 9 3, मतलब 9 मीटर लेंथ एंड 3 मीटर्स उसके, मतलब कि 3 3 के ईच एंड 12 मीटर हाइट ईच, ईच फ्लोर हाइट इज 3 मीटर्स, तो मतलब 12 मीन्स 4 हो गया, 9 विड्थ है और उसको सेगमेंट कितने बन रहे हैं 3, मतलब कि तीन 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 के सारे तीनों को रूम्स है। अप्लाई करके इस तरीके से रूम बना दीजिए आप एंड देन जस्ट गो टू ट्रांसफर मॉडल एंड यस क्लोज द ग्रिड्स। नाउ द फोकस ऑन स्टेप नंबर वन, जनरल बीम डिफाइन रेक्टेंगल, गिव द साइज। सपोज आई गिव द साइज इज फॉर रेक्टेंगल इज 0.30 × 0.30, दिस इज फॉर बीम। एक वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि किस तरीके से बीम का डेप्थ और विड्थ को डिसाइड करते हैं। तो अगर वो आपको चाहिए टॉपिक तो प्लीज़ नीचे कमेंट करिएगा कि सर हमें बताइए डेप्थ और विड्थ कैसे लेते हैं बीम का, कि कितना डेप्थ रखना चाहिए और कितना विड्थ रखना चाहिए मिनिमम। अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं ज़रूर उस पर टॉपिक बनाऊंगा। नाउ नेक्स्ट इज 0.45 फॉर कॉलम एंड 0.45 फॉर कॉलम। नाउ इफ वॉन्ट टू सेलेक्ट योर कॉलम्स जस्ट गो टू सेलेक्ट कमांड बीम्स पैरेलल टू वाई एक्सिस Yes. After this is for beam, so just go there and then select X and select Z. Okay. Now the next step is support. Create. Of course, this is building, so fixed support is there. Just go to this elevations and then select all the nodes assign S. अगर ये आपका पहला वीडियो है तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप पहले के सीरीज देख लीजिए, क्योंकि सीरीज देख के अगर आएंगे तो आपको ये प्रॉपर समझ में आएगा। ओके, नाउ नेक्स्ट इज लोड एंड डिफिनेशन। मैं सीरीज आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। लोड किस डिटेल्स एट डेड लोड डीएल, क्लोज। नाउ नेक्स्ट इज डेड लोड एट, डेड लोड में सबसे पहले आपको फैक्टर ऑफ सेफ्टी डालना है -1.5। माइनस इसलिए क्योंकि लोड ऊपर से नीचे की ओर आ रहा है, ठीक है, अदरवाइज सेल्फ वेट कितना होता है 1.5। एट इसके बाद इसके ब्रिक्स का लोड, मतलब जैसे कि अभी जो हमारी ब्रिक लगी होगी, ब्रिक के लिए हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे ब्रिक का लोड, मैंने कभी एक वीडियो रिसेंटली आपको दिया था, जिस वीडियो मैंने बताया था हाउ टू कैलकुलेट डेड लोड, ठीक है। तो उसमें मैंने बताया था कि आउटर वॉल्स के लिए किस तरीके से ब्रिक का लोड कैलकुलेट करते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसको भी दे रहा हूँ। और अभी मैं डायरेक्ट यहाँ पे यूनिफॉर्म फोर्स लगा रहा हूँ, कितना -11.75, नियर अबाउट इतना ही आता है, इसलिए मैं डायरेक्ट लगा दे रहा हूँ। ये है आउटर वॉल्स के लिए और इसको जस्ट आप ऐड कर दीजिए। इसके बाद इनर वॉल के लिए भी रखना है, तो इनर वॉल के लिए नियर अबाउट 7.5, सॉरी माइनस में दीजिएगा 7.5, और इसको भी ऐड कर दीजिएगा। और इसके बाद यहाँ पे एरिया लोड, यहाँ पे एरिया लोड अभी लगाने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट फ्लो लोड लगा सकते हो। फ्लो लोड, अब फ्लो लोड कैसे कैलकुलेट करेंगे, डेंसिटी इंटू थिकनेस, स्लैब की थिकनेस कितनी है 0.15 इंटू डेंसिटी कितनी होती है 25, आरसीसी की डेंसिटी कितनी होती है 25, तो वो 25 इंटू 0.15 3.75 आता है वो। उसमें अगर फ्लोर फिनिश जोड़ेंगे तो 1 किलोमीटर फ्लोर फिनिश होता है, तो फ्लोर फिनिश जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 4.75, तो हम डायरेक्ट फ्लोर फिनिश के साथ ले लेते हैं
माने 7.5, और इसको रेंज जरूर दीजिएगा, सो 3 टू टॉप ऑफ द हाइट मींस टॉल लाइव लोड फ्लो लोड। अब लाइव लोड आपको पता होना चाहिए कि अगर रेसिडेंशियल बिल्डिंग है तो उसमें -2 किलो न्यूटन का लाइव लोड आता है, कॉमर्शियल बिल्डिंग है तो उसमें 4 किलो न्यूटन का आता है एज पर IS 875 पार्ट 2। चलिए सेल वेट लगाना बहुत आसान है, तो इसको असाइन टू व्यू और असाइन और यस। और ये थोड़ा सा टफ है, क्यों? क्योंकि ये केवल आउटर वॉल्स पे लगने वाला है, तो आउटर वॉल्स पे लगाने के लिए क्या कर सकते हैं, आप इस पे जाइए और इस पे जाके आप इस तरीके से टॉप व्यू में चले जाएंगे इसके, ठीक है, टॉप व्यू में आ गए। अब इस वॉल पे लगेगा, इस वॉल पे, इस वॉल पे, इस वॉल पे, क्योंकि 230 mm की वॉल होगी तभी ये होगा, ठीक है। 230 mm की वॉल के लिए आप इस तरीके से आउटर वॉल को सेलेक्ट कर दीजिए, देख लीजिए सब अच्छे से सेलेक्ट हो गए, हाँ जी हो गए। और उसके बाद असाइन टू सेलेक्टेड बीम्स, असाइन और यस। इसके बाद ये लिया, अब देखिए अगर और अगर मैं पूरा स्ट्रक्चर बनाऊंगा तो मैं आपको बताऊँ चाहूंगी कि जो टॉप व्यू है इस पे केवल और केवल पैरापिट वॉल होगा, तो पैरापिट वॉल की का वेट जो आएगा वो इतना नहीं आएगा, लेकिन मैंने डायरेक्ट लगा दिया है। आपको ध्यान देना पैरापिट वॉल नियर अबाउट 1.2 और 1.9 किलो न्यूटन आता है, क्योंकि वो केवल 1 मीटर का होता है, बट अगर आपका पैरापिट वॉल नहीं है तो ये लोड आप लगा सकते हैं। दीज आर दी इनर वॉल्स असाइन टू बीम। इस तरीके से हम लोग लोड लगा देंगे। लोड लगाने के बाद यहाँ पे हम लोग एनालिसिस एंड प्रिंट पे जाएंगे, और यहाँ पे जाने के बाद ऑल एट क्लोज, और फिर एनालाइज पे जाएंगे, रन एनालिसिस और सेव। देखिए जीरो एरर जीरो वार्निंग वन नोड, वन नोड किस चीज़ का नोड है, वन वे एंड टू वे स्लैब मैंने अभी डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया था, तो मैं आपको एक वीडियो बताऊंगा कैसे वन वे एंड टू वे स्लैब्स को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो उसका कोई एरर नहीं है, सिर्फ वार्निंग बताता है देखिए अबाउट फ्लोर्स, क्योंकि हमने फ्लोर को बताया नहीं कि कौन सा वन वे है कौन सा टू वे है। ओके चलिए अब देखिए डिज़ाइन कैसे करना है, ये थोड़ी स्पेशल टाइप की डिज़ाइन है, इसमें आप देख सकते हो हैगिंग सैगिंग और स्ट्रक्चर पास कर रहा है कि फेल कर रहा है, तो डायरेक्ट आपको जाना है पर कंक्रीट डिज़ाइन पे, याद रखिएगा ध्यान से स्टेप देखिए, कंक्रीट डिज़ाइन पे जैसे ही क्लिक करेंगे दोस्तों यहाँ पे एक नया टैब खुल जाएगा स्टैट प्रो का, इसमें आपको सबसे पहले पूरे स्ट्रक्चर को सिलेक्ट करना है और मेंबर पे जाके ऑटो फ्रॉम मेंबर करना है, उससे क्या होगा उसे हर एक मेंबर का अपना अपना नाम हो जाएगा इस तरीके से। ओके आफ्टर दिस इसके बाद एनवेलप पे आइएगा, नाउ जस्ट कम टू एनवेलप एंड जस्ट क्लिक ऑन न्यू एनवेलप, the first member of yours like a beam, so just click on beam and then click ok. Now what are the your loads, so just show load combinations, so you get like you have a two loads data and live, you don't have a seismic or any other, so just select this both this side and then click ok, and after this just go to again new envelope, and now this time you can just click here for column, ok, show load combinations and just open your this side your loads and just click ok, done, number step 1 is done. Now just go to members, just see your members are like this, yes your member are generated, right, good. Now next is group and briefs, just come on group and briefs and here carefully just click on new brief beam, IS456 beam, okay. Now this analysis is also called advanced concrete design. Why? You can see here minimum cover, आप यहाँ पे minimum cover भी दे सकते हो, of course like beam cover is 25, so no change, and concrete grades, if you want to give your concrete grades of course we'll design or MP20 or M25, suppose here I'm going to design M25, okay. Next is main reinforcement,
अब देखो इसमें क्या हो रहा है दोस्तों कि यू प्रोवाइड योर टॉप बार्स एंड बॉटम बार्स योर ओन क्राइटेरिया. सपोज आई वॉन्ट फॉर बीम्स 10 mm मिनिमम एंड मैक्सिमम इज 20 mm. तो अब ये इसके अंदर ही डिजाइन करेगा 10 to 20. सेम ईयर आई टेक एंड देन Fe415. देखिए अभी आपको माइल्ड स्टील नहीं लगाना क्योंकि माइल्ड स्टील अभी हम लोग यूज नहीं करते. ओके नेक्स्ट इज सीयर एनफोर्समेंट. यहाँ पे आपको देखना है कि सेंट्रल लाइन ऑफ सपोर्ट्स आपको या तो सेंट्रल लाइन से आपने ड्रॉ करके इम्पोर्ट किया होगा या कॉलम फेसेस अगर जिससे आप इम्पोर्ट किए उस मेथड को फॉलो करो. सीयर बार टाइप्स आपको 415 रखना है एंड देन उसके बाद ओके दिस इज फॉर बीम. नाउ अगेन जस्ट गो टू न्यू डिजाइन ग्रुप 1 बीम. ओके इसका नाम दे दिया डिजाइन ग्रुप 1. नेक्स्ट अगेन कम न्यू ब्रीफ एंड दिस इज कॉलम. ओके 25 मिनिमम साइज एंड मैक्सिमम साइज इफ यू वांट टू एडिट यू कैन एडिट अदरवाइज इट्स करेक्ट. नेक्स्ट इज कॉलम फैक्टर्स. नो चेंज इन कॉलम फैक्टर बिकॉज लाइक वी विल कैलकुलेट द स्लेंडरनेस रेशियो एंड अकॉर्डिंग टू दैट विल डिजाइन. मतलब कि सॉफ्टवेयर खुद से डिजाइन करता है स्लेंडरनेस रेशियो क्या है, शॉर्ट कॉलम है कि लॉन्ग कॉलम है. मेंबर लोड केसेस पे आना है और यहाँ पे आकर सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो लोड है हमको इनको सेलेक्ट करके इधर भेजना है. ये करना नहीं भूलिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है. जस्ट क्लिक ओके. नेक्स्ट इज न्यू डिजाइन ग्रुप अगेन एंड दिस इज फॉर कॉलम. सो कॉलम न्यू डिजाइन ग्रुप 2 और इस तरीके से हमने ग्रुप 2 कर दिया. आफ्टर दिस जस्ट सेलेक्ट ऑन बीम्स एंड सेलेक्ट योर ऑल बीम्स. ओके आफ्टर दिस राइट क्लिक ऑन बीम्स. ऑलवेज रिमेम्बर कि बीम पे आप यहाँ पर राइट क्लिक नहीं करोगे, यहाँ पर राइट क्लिक करना. कैन सी हियर ऐड मेंबर टू डिजाइन ग्रुप. अब इसको किस में ऐड करना चाहते हो, डिजाइन ग्रुप 1 में ना, क्योंकि बीम तो 1 नंबर है. ऐड तो ये डिजाइन हो गया, मतलब कि बीम नंबर 1 के लिए हो गया. नेक्स्ट इज कॉलम्स. सो जस्ट गो टू कॉलम एंड सेलेक्ट योर कॉलम्स. अगर ये स्टेप फॉलो नहीं किया आपने तो 100% आपकी डिजाइन नहीं होने वाली है. सो कीप रिमेंबर्स एंड देन राइट क्लिक ऐड मेंबर टू डिजाइन ग्रुप. अब यहाँ पे आप क्या गलती क्या करेंगे, ऐड कर देंगे. नहीं, आपका डिजाइन ग्रुप 2 है कॉलम के लिए, तो डिजाइन ग्रुप 2. ओके डन. ओके नाउ नेक्स्ट इज गो टू कंक्रीट मेंबर. आपको जाना है कंक्रीट मेंबर पर. राइट नाउ यू कैन सी हियर कोई भी डिफाइन अभी नहीं, मतलब कोई भी पास कर नहीं दिखा रहा है स्ट्रक्चर. कोई बात नहीं, जस्ट गो टू डिजाइन एंड जैसे आप यहाँ पर डिजाइन पर क्लिक करेंगे यू कैन सी हियर योर एवरी कॉलम्स आर ओके ओके ओके. अगर कोई कॉलम आपका फेल है तो तुरंत दिखा देगा कि M60 मतलब ये वाला फेल है या ये वाला फेल है. राइट नाउ एवरी वन इज पासिंग. ठीक है, ये तो रहा आपका कॉलम्स. नेक्स्ट आपको यहाँ पे देखना है ग्रुप 1 मतलब बीम्स. अभी देखिए बीम में अभी मैंने डिजाइन नहीं किया तो क्या दिखा रहा है, फेल क्या एगिंग और सैगिंग. ठीक है, तो ये फेल दिखा रहा है तो आपको पता होना चाहिए कि इसको पास कैसे करना है. तो इसके लिए जस्ट गो टू डिजाइन डिजाइन एंड यू कैन सी हियर आपका एगिंग भी ओके है और सैगिंग भी ऊपर. एगिंग क्या होता है आपको पता होना चाहिए, एगिंग जब आपका जो बीम है वो ऊपर की ओर उठ चला जाए, मतलब हॉरिजॉन्टल फोर्सेस की वजह से ऊपर की ओर उसका सिग्नल बन जाए. और सैगिंग क्या है, अगर वर्टिकल फोर्सेस की वजह से लाइक नीचे वाले जो दांत होते हैं उस तरह के शेप का अगर डिजाइन हो जाए तो दैट इज व्हाट सैगिंग. यहाँ पे आके आपको शेड्यूल पे क्लिक करना है और देखिए यहाँ पे आपको दिखाएगा कि सैगिंग और सैगिंग के लिए कवर कितना रखा हुआ है, लेंथ किस मेंबर का कितना है. ठीक है, सीयर बार्स ओके है कि नहीं है, स्पैन डेप्थ रेशियो सही है कि नहीं है. रेशियो के लिए मैं वीडियो अलग से बनाऊंगा, तो रेशियो ठीक है कि नहीं. अब इसके बाद शेड्यूल पे आइए तो यहाँ से आपको शेड्यूल देख सकते हो अपने कि हमारा शेड्यूल किस तरीके से है. और अगर आपने इस शेड्यूल को यहाँ से स्पैन 1 और 2 कर दिया तो अलग अलग स्पैन में आप करके DXF में ओके करके मतलब ऑटो कैड में फाइल में सेव कर सकते हो. ओके कर दोगे तो इस फाइल को ऑटो कैड में आप सेव कर सकते हो. ओके नाउ नेक्स्ट इज सीयर आफ्टर. यहाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर क्लिक करके हम लोग देखेंगे कि किस मेंबर पर कितना सीयर आ रहा है, कितने किलो न्यूटन का सीयर आ रहा है. ये देख सकते हैं यहाँ पे एक एक डिस्टेंस पे बता रहा है, मतलब इस इतने पे इतने पे इतने पे इतने पे क्या और सीयर स्ट्रेस कितना आ रहा है. ठीक है, अब सीयर देखिए यहाँ पे और यहाँ पे सीयर स्ट्रेस है और यहाँ पे स्टील रिक्वायर्ड कितना है वो भी यहाँ पे आपको मिल जा रहा है.
ठीक है। इसके बाद हम लोग देखेंगे यहाँ पे मेन लेआउट्स। मेन लेआउट्स में देखते हैं सेक्शन, मतलब कि यहाँ पे आपका बीम कैसा दिखेगा। डायरेक्ट आप यहाँ पे वैल्यू डाल दीजिए कि आपको चाहिए 2 मीटर पे देखना है, तो 2 मीटर पे क्लिक कर दीजिए तो 2 मीटर पर आपकी ये बीम ऐसे दिखेगी। सपोज आपको ये बीम पे देखना है तो इस बीम का भी आप ऐसे ही देख सकते हो, सेम मेथड है। तो आप प्रॉपर सेक्शन कट करके देख सकते हो कि कहाँ पे हम कैसे स्टील प्रोवाइड करेंगे। यहाँ पे मेन राफ्टर पे क्लिक करिए और यहाँ पे क्लिक करके आप देखेंगे कि आपको यहाँ पे किस पॉइंट पे कितना एगिंग आ रहा है और कितना सैगिंग आ रहा है। अब देखिए एगिंग आपका यहाँ पे, अगर जैसे आपने पहले सैगिंग पे देख लीजिए, देखिए सैगिंग आपका क्या होता है, सैगिंग मैंने आपको बोला क्या क्या कि नीचे की ओर जाता है, इसलिए क्या होता है माइनस में। देखिए किस मेंबर पे कितना सैगिंग जा रहा है आपको यहाँ पे दिखा रहा है, बट ये ओके है, मतलब इतना सैगिंग चलता है, इसलिए इसको आगे ही उसने बता रखा था कि ओके कर रहा है, ये देखिए सैगिंग। और यही चीज एगिंग पे आप देखेंगे तो एगिंग में आपको क्या होगा, इसका मोमेंट पॉजिटिव में, क्योंकि ये ऊपर के डायरेक्शन में जाता रहता है, तो ये देखिए पॉजिटिव में आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके की हमने एगिंग वैगिंग देख लिया किस मेंबर पर कितना आएगा और कितना सैगिंग आएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद मेन लेआउट पे आइए, और मेन लेआउट पे अभी हम आके यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि हमारे सेक्शन किस तरीके से है, बाहर कितने एमएम को बाहर यूज़ कर रहे हैं, ये भी हम लोग यहाँ से देख सकते हैं, और डिज़ाइन आपने देख लिया है। इसके बाद समरी, यहाँ देखिए समरी में आपको बस ये देखना है कि क्या ओके है, क्या पास है, इस तरीके से हम लोग इसको देख सकते हैं। होप दोस्तों आपको ये प्रॉपर ही समझ में आ गया होगा एडवांस कंक्रीट डिज़ाइन। मेरा एक उडमी पे वीडियो लॉन्च हो रहा है जिसमें हम लोग कुछ लाइव प्रोजेक्ट्स, मीन्स मोर देन 4 लाइव प्रोजेक्ट्स लेके ऐड किए हैं अपने ट्यूटोरियल में। साथ ही साथ उसमें हम लोगों ने डिस्कस किया कि किस मेंबर पर कैसे लोड कैलकुलेट करते हैं, उसका भी हम लोगों ने मैनुअल कॉन्सेप्ट भी दिखाया है। सिस्मिक और विंड एनालिसिस कैसे काम करता है मैनुअली प्लस सॉफ्टवेयर, दोनों को कंपेरिजन करके हमने दिखाया है। इस तरह का वीडियो जल्दी ही लॉन्च होने वाला है, तो अगर आपको लगे कि नहीं मुझे प्रॉपर डीप में स्टैट प्रो सीखना है, तो मैं उस आप मेरे उस वीडियो को बहुत ही कम प्राइस है, आई थिंक 500 रुपीज़ ओनली, उस पर आप परचेस करके डीप में कैसे प्रोजेक्ट करते हैं, खुद का कंसल्टेंसी ऑफिस खोलना है, तो आप प्रॉपर उस वीडियो को देख के ओपन कर सकते हैं, आपका सारा काम हो जाएगा। तो अगर आपको अच्छा लगेगा तो बहुत जल्दी मैं आपको गुड न्यूज़ दूंगा, तो आप उसके बाद ले सकते हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा, इसमें कोई आपको लगता है कि सर ये टॉपिक कवर करिए, ये टॉपिक कवर करिए, तो आप नीचे कमेंट करो दोस्तों। कमेंट करते हो तभी मुझे लगता है कि नहीं मुझे वीडियोस बनाना चाहिए। कुछ दोस्तों ने मुझे बोला सर ऑटो कैड पर डिटेलिंग का वीडियो, मैं जल्दी ही दोस्तों ऑटो कैड पर डिटेलिंग का वीडियो भी लेके आऊँगा। और भी जो आपके कमेंट्स हैं आपके दिमाग में हैं वो भी आप कमेंट करिए। प्लस हमसे जुड़े रहने के लिए आपको और क्या नया टॉपिक चाहिए, जैसे कि कुछ लोग SSC की तैयारी कर रहे होंगे, क्या उससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन पेपर चाहिए, या जो भी क्वेश्चन पेपर मीन्स लाइक सॉल्व, लाइक आपको एक्सपेक्टेड क्वेश्चन क्या हो सकते हैं उसके बारे में, क्योंकि हम लोग सिविल इंजीनियरिंग के बारे में दिन भर डिस्कस करते रहते हैं, दिन भर हमारा यही काम है, तो हम आपको शायद कुछ अच्छा दे सकते हैं। इसलिए जो भी आपके माइंड में है उसको आप हमसे कनेक्ट करके हमको कमेंट कर सकते हैं। प्लस हमारे व्हाट्सएप नंबर इसमें दिया हुआ है, उस पर कॉन्टेक्ट में रख के आप मुझे सजेस्ट कर सकते हैं कि सर ये वीडियो बनाइए। इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिए, देखा आपने, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक करिएगा दोस्तों, सब्सक्राइब करिएगा और इसको अपने फेसबुक या व्हाट्सएप पेज पे शेयर भी करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।